हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हाइलाइटर। और आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने सबसे पहला जो हाइलाइटर का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि वो वाला मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट था जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई हाइलाइटर परचेस किया था। देन सेकेंड टाइम मैंने शुगर का हाइलाइटर जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है, उसका भी हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद आया था। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो वो वाला वीडियो। तो मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं हाइलाइटर्स का कलेक्शन बनाने वाली हूँ, एक एक करके मैं अलग अलग हाइलाइटर्स लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे हाइलाइटर्स पर्सनल लेवल पर बहुत पसंद आते हैं। एक एक करके मैं हाइलाइटर्स लूंगी और आपके साथ शेयर करते जाऊँगी। तो वो दोनों हाइलाइटर्स के अलावा मेरे पास अभी है ये वाला हाइलाइटर, जिसके मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे थे और रिव्यूज़ देखने के बाद मैंने इसको परचेस किया है। ये काफ़ी पहले लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है, बट ये मेरे पास बहुत टाइम के बाद आया है और मैंने इसको लेने के लिए बहुत डिले किया है। ये जो क्वालिटी है ये सच में बहुत अच्छी है, और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके पास ये वाला हाइलाइटर होगा, बट जिनके पास नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगी कि यह सच में बहुत अच्छा हाइलाइटर है। तो ये मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर है। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, ये प्लास्टिक की ऊपर वाला कवर आएगा, प्लास्टिक फॉर्म में है, बट काफ़ी हार्ड है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मेटेलिक हाइलाइटर है और इसमें और भी एक शेड आता है रोज गोल्ड करके, बट मेरे पास जो है वो गोल्डन शेड है। अब बात करते हैं हमारे अंदर वाले प्रोडक्ट की। तो ये इस तरीके से गोल्डनिश शेड आएगा, और गाइज मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ, ये बिल्कुल मक्खन बटरी जैसा इसका फॉर्मूला है, बहुत सॉफ्ट, लाइक जैसे एक क्रीमी टेक्सचर होता है ना, इसी तरीके से ये हमारे हाथ में आ जाता है। बिल्कुल हल्के से अगर हम स्वाइप करें तो ये आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये लग जाता है। ये देखो इसका फॉर्मूला, फिर से एक बार स्वाइप करूँगी और आप देख सकते हो प्रोडक्ट। ये देखो, ये इस तरीके का गोल्डनी शेड आएगा और एक ही स्वाइप में इसका स्वैच देखो आप ना, पिगमेंटेड हाइलाइटर है ये। मैं फिर से क्लोजअप से दिखाती हूँ आपको, ये देखो, और शेड भी काफ़ी प्यारा है, एक्सट्रीम पिगमेंटेड है ये, एक्स्ट्रा पिगमेंटेड। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है ये मेटालिक हाइलाइटर है, बिल्कुल मेटालिक जैसा इसका फिनिशिंग आता है। तो गाइज, ये है मेबेलिन मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो मेटेलिक हाइलाइटर, इल्यूमिनेटर मेटेलिक। यह आपको फ्रंट साइड से इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे एक प्लास्टिक की कवर आएगा, और मैं लगभग 1 महीने से इसे यूज़ कर रही हूँ। 1 महीने पहले ये मेरे हाथ में आया था और आफ्टर 1 महीने मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ, ताकि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ये प्लास्टिक की फॉर्म है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्रॉड की जो क्वालिटी है ये सच में बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी ऐसा वो वाला चिप क्वालिटी का जो होता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कह सकते हो अगर आपको एक्रिलिक का पता होगा तो बिल्कुल वैसा कह सकते हो आप, एक्रिलिक जैसा है, हार्ड है बिल्कुल। अगर आप इसको लेके कहीं ट्रैवल भी करते हो तो ये ब्रेकआउट होने का कोई चांस ही नहीं है, इतना हार्ड है ये। और ये इस तरीके से क्लिक करके क्लोज हो जाता है, बैक साइड में आपको इन्फो दी हुई है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2019 की, और इसका जो नेट वेट है वो 6.7 ग्राम है, जो लगभग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, लंबे टाइम तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी MRP आप यहाँ पे देख सकते हो 550 रुपीज़, जो कि ठीक ठाक है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मेरे पास जो शेड है वो मॉल्टन गोल्ड है, इसमें और एक भी शेड आता है जो रोज़ गोल्ड है, मैंने ये मॉल्टन गोल्ड वाला शेड लिया है क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे इस तरीके से इन्फो दी हुई है और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। अब हम इसको ओपन करके देखेंगे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, और लुक एट दैट गाइस, कितना प्यारा हाइलाइटर है, इसकी शाइन आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसके स्वैचेस दिखाती हूँ, मैं एक ही स्ट्रोक में आपको इसका पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, मैंने बिल्कुल भी हार्डली इसको नहीं लिया है। ये देखो है ना, कितना पिगमेंट है गाइस, एक ही स्ट्रोक में देखा आपने ये किस तरीके से दिख रहा है। मैं फिर से आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी,
ये देखो ये शेड भी है ना, बहुत प्यारा शेड है। और बिल्कुल जैसे उन्होंने मेंशन किया है कि ये मेटेलिक फॉर्म में आएगा, तो ये देखो आप, बिल्कुल मेटेलिक सा लग रहा है। और कैमरा में आपको थोड़ा सा अलग नज़र आएगा, बट ओरिजिनली ये बहुत प्यारा लगता है। और जब भी हम इसको अप्लाई करने जाते हैं, जब भी हम इसको हाथ लगाते हैं ना, बिल्कुल बटरी सा फील होता है, क्रीमी टेक्सचर, जैसे कि मानो ये क्रीमी बेस में हो। इतना सॉफ्ट और इतना बटरिश फील होता है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये देख सकते हो आप, इतना पिगमेंटेशन वाला हाइलाइटर मैंने आज तक नहीं देखा है, और मेरे पास है भी नहीं इतना पिगमेंट वाला कोई हाइलाइटर। ये सच में अलग अलग ही टाइप का ये हाइलाइटर है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक ही हाइलाइटर हो और आपको अच्छा वाला हाइलाइटर चाहिए हो, तो ये आपके पास होना चाहिए ज़रूर, किसी एक के पास होना चाहिए, क्योंकि इसके जैसा हाइलाइटर मैंने नहीं देखा है। और मैं अब इसको ना स्प्रेड करके दिखाऊंगी आपको। ये देखो बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है। और ये स्प्रेड करने के बाद भी आप देख सकते हो इवन टोन आता है। और आप डेली यूज़ के बेसिस पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं हमारे फेस पर शाइन लाने के लिए। मैं फिर से आपको इसको एक बार स्प्रेड करके दिखाऊंगी यहाँ पे। ये देखो गाइस, देखा आपने गेट दैट शाइन। कहूँ तो ये सबसे प्यारा सबसे अच्छा हाइलाइटर है। मैं लगभग 1 महीने से इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। और मैं ये आप सब लोगों को ज़रूर ज़रूर रिकमेंड करूँगी। ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है। अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये मैंने लिया ब्रश पे, ताकि मैंने कोई भी मेकअप नहीं वेयर किया हुआ है, तो अगर मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ होता तो लुक और भी ज़्यादा अच्छे से आता। मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे नेचुरल फेस पे, तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, बट ज़्यादातर हम घर में भी इसको यूज़ करते हैं शाइन के लिए, तो आपको मेरे फेस से काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। शायद मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया है, देखा आपने। ये देखो मेरे चेहरे पे पहले इतनी शाइन थी, और उसके ऊपर मैंने ये वाला हाइलाइटर अप्लाई कर लिया, और आप देख सकते हो कितनी चमक आ रही है मेरे फेस पे। ये देखो, वो आप देख सकते हो अप्लाई करने के बाद ये ऐसे लगता है, काफ़ी पिगमेंटेड है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छी क्वांटिटी के साथ ये हमें मिल जाता है और हर कोई इसे ले सकता है, इतनी भी ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। और प्राइस के हिसाब से बात करें तो सच में ये हमें बहुत अफोर्डेबल प्राइस में रिसीव हो जाता है, अगर हम कंपेयर क्वालिटी से करें। आप मेरे आईलाइनर के बारे में भी सोच रहे होंगे ना, तो मैंने अभी भी एक रिव्यू शेयर किया है आपके साथ आईलाइनर वाला, तो अगर आपने वो वाला नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा आईलाइनर है, इसलिए मेरा लुक ऐसा अलग अलग लग रहा है। और प्लीज़ डोंट जज माय फेस, मेरे फेस को जज मत करना, क्योंकि मैं बिल्कुल विदाउट मेकअप आपके सामने आई हूँ, और विदाउट मेकअप ही मैंने हाइलाइटर अप्लाई करके दिखाया। मुझे लगता है कि ये वाला रिव्यू आपको ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये विदाउट मेकअप वाला रिव्यू था। तो गर्ल्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं हर रोज़ ऐसे ही एक एक प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ, मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में अलग प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।